मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें भी मेरे साथ सजा मिली, युमिको। अगर हमने एक साथ गलती की है तो सजा भी तो एक साथ भुगतनी पड़ेगी ना केनिची। अरे जाने दो ना युमिको, सारा कचरा यहाँ इस कोने में रख देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और सर को तो मैं ऐसा चकमा दूंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे अभी? अब नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? कचरा कोने में डालकर मुझे चकमा देने वाले थे? नहीं सर, मैं बाद में साफ करने ही वाला था। फिर से झूठ बोल रहे हो? तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस रोज रोज की शरारत से। अब तुम्हारी मम्मी ही इस सब की सजा देगी तुम्हें। आज केनिची की मम्मी को सब कुछ बता दूंगा। अब क्या होगा हथौड़ी, बोलो ना। डिंग डिंग, हम उन दोनों को बात करने का मौका ही नहीं देंगे। कैसा आइडिया है? हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर उन्होंने बात कर ली तो फिर? ऐसा मत कहो, तुम लोग मुझे प्लीज बचा लो। नॉट केनिची, हम है ना, एक छोटा सा काम था, बस इसीलिए आपको तकलीफ दी। तो क्या केनिची ने कोई? मम्मी। शिंजो, क्या बात है? मैं इनसे बात कर रही हूँ ना। मम्मी, फोन आया है। ओ, फोन आया है? आप जरा बैठिए, मैं बस अभी आई हूँ। ये फोन भी अभी आना था। कौन बोल रहा है? ओ हथौड़ी, लेकिन तुम लोग बाहर कब गए? वो केनिची को कुछ सामान लाना था। जरा मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा सामान है जो अभी लेना जरूरी था? वो मम्मी उसे वो वो उसे हाँ, स्कूल के लिए फूल के बीज और चाकू लेना था। देखो बेटा, आइंदा अगर ऐसा कुछ सामान लेना हो तो मुझे बता कर जाया करो, मैं सही दुकान बता देती ना। पता नहीं ये हथौड़ी इतनी अजीब ढंग से क्यों बात कर रहा था। हथौड़ी, मैंने तुम्हें क्या कहा और तुमने मम्मी को क्या बता दिया? चलो अभी चलते हैं। माफी चाहती हूँ। अच्छा बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखिए ऐसा है कि बेहोश हो गए। कमाल है शिंजो, आज पहली बार तुम्हारे रोने से फायदा हुआ है। ओह, ये शिंजो का रोना भी ना। ओह सर, ये अचानक क्या हो गया था? खैर, तो मैं कह रहा था कि आपका बारिश हो रही है। इस वक्त बारिश? सर आप बैठिए, मैं अभी आई। ओह, कपड़े भीग गए। झूठ मूठ की बारिश। रायमा देखो, बारिश हो रही है। डिंग डिंग डिंग। अरे कहाँ बारिश हो रही है, ये भी ना। मैं माफी चाहती हूँ सर, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अच्छा तो आप केनिची के बारे में जो कहना चाह रहे थे वो बोल दीजिए। आपको बहुत सर्दी हो जाएगी और बार बार सुसु करने चले जाएंगे। यहाँ तो बहुत सर्दी हो गई है। आप ठीक तो है ना? फिर जोर की लग गई। अरे निकलो। निकलता हूँ। जाइए ना। अच्छा तो आप केनिची के बारे में कह रहे थे? हाँ, केनिची आजकल स्कूल में कुछ देखिए, अगर उसने कोई गलती की हो तो। सर्दी तो बाहर निकलो, जल्दी निकलो ना, जल्दी निकलो। आप जा सकते हैं सर। देखिए मुझे बस इतना कहना है कि मैं बाबा तो मर गया। अब थोड़ी देर यही बैठूंगा। आप यही बैठिए सर, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। सर की हालत तो खराब है, लेकिन मम्मी उनके लिए कुछ गर्मा गर्म लेने गई हैं। हथौड़ी, अब तुम उन्हें किसी भी तरह यहाँ से जल्द भगा दो। अब ये हमारे काम आएगा। चलो इसे हल्के से जोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा? क्या बात है शिंजो? मम्मी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अच्छा, मेरे लिए? अब आप इसे संभाल लेना, ठीक है? जाता हूँ। दिखने में ये तोहफा काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, इसे वहाँ रख देता हूँ। अरे ये तो टूट गया। सर तो डर गए।
अब वो क्या सोचेगी, अब मैं क्या करूं? सर, अब कैसे हैं आप? इससे आपको फायदा होगा। देखिए सर, केनिची ने जो भी किया हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या केनिची? अरे नहीं नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो बहुत ही अच्छा और सलीके वाला प्यारा सा बच्चा है। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट रुकिए सर, जहाँ तक मैं समझती हूँ आप केनिची की कोई शिकायत करने आए थे ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अनजाने में हुआ, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगी। अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपके घर कभी भी नहीं आऊँगा। अजीब बात है, ये केनिची के सर कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। अरे वाह सर, तुम मेरे बारे में शिकायत नहीं कर पाए। कभी कभी बेकार की चीजें भी बहुत काम आती है। अपनी तलवार चमका रहे हैं भाई। केनिची वहाँ जो भी बोलना है वो सब याद कर लिया ना? हाँ, मैंने सब याद कर लिया। वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप कह रही हैं? क्या आपको अम्पल भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है, आज वहाँ जो करना है मुझे ही करना है। तुम क्या करने वाले हो? आज मुझे पुलिस विभाग वालों ने एक बढ़िया मौका दिया है और मैं उस मौके का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। चलो, वहाँ पर हम लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ बीच में कोई दखल अंदाजी मत करना। बड़े जच रहे हो। देखो आज तुम्हें पूरे एक दिन के लिए हमारे विभाग में पुलिस अफसर बनाया जाता है। हमारे विभाग की शान बरकरार रखना ये मामूली काम नहीं, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छे से करना। जी सर। ये मेरी खुशनसीबी है कि पुलिस विभाग ने आज मुझे ये सुनहरा मौका दिया है। ये मेरा स्टूडेंट है, ये हमारे स्कूल का है। बहुत अच्छे केनिची, बहुत अच्छे। ओए इतना भी मत छिलो बच्चों। केनिची तुमने कमाल कर दिया। हम इस देश की आने वाली नौजवान पीढ़ी है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा एहसास होना चाहिए। बड़ा अच्छा बोल रहा है ये लड़का। जिन्हें जिंदगी में कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है, आज मुझे ये मौका मिला है और मैं इस कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये क्या हो रहा है? क्या शहर में चोर घुस आया है? जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना है, वो सुबह से दो घरों में चोरी कर चुका है, बहुत खतरनाक है वो। हमें उसे फौरन पकड़ना होगा, चलो मेरे साथ। अरे सर रुक जाइए। ये अचानक क्या हो गया? क्या आप लोगों के कान खराब हैं? ये क्या, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइए, वो लोग जल्दी वापस आएंगे। मेरे काम हमेशा बिगड़ते हैं। देखो दिल छोटा मत करो, हम सब यहाँ हैं ना, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें तुम्हारा भाषण सुनने में बहुत खुशी होगी। चलो सुनाओ अपना भाषण। हमें जरूर खुशी होगी। वैसे भी अब तुम्हारी बोलने का कोई फायदा तो नहीं होने वाला, फिर भी सुनाओ। जिस देश की पुलिस और नागरिक इतने जिम्मेदार है उसे मेरा सलाम है। सूचित किया जाता है कि शहर में एक चोर घुस आया है, अपनी जान और माल की रक्षा स्वयं करें। चोर, पकड़ो उसे। शिशुमानो वो देखो चोर। अरे पुलिस आ गई, भागो। रुको मैं भी आ रहा हूँ, हथौड़ी। वो चोर यही कहीं होना चाहिए। तुम ये जमीन पर क्या कर रहे हो? नहीं वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, चोर ढूंढने का वक्त आया तो अचानक पेट में दर्द होने लगा? तुम एक अच्छे नागरिक नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस वक्त एक निंजा की जरूरत है, एक आम लड़के की नहीं। मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, उस चोर को नहीं छोड़ूंगा।
अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे ये अरे भागो। चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना ही है। हम दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे। ये क्या लगता है वो भाग गया। हमारा अंदाजा सही था, हमें उसे पकड़ना ही होगा। अगर वो चोर निकल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चलो। ये तो कियो की आवाज थी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सबको बताऊंगा। क्या हुआ? तुम अभी चिल्लाए थे ना? क्या तुमने उस चोर को कहीं देखा है कियो? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। झूठे कहीं के? बच के कहाँ जाओगे तुम? देखो बोरा, चलो पकड़ो। जान बची तो लाखों पर। पकड़ो चोर को, पकड़ो। चलो उस चोर को पकड़ते हैं। पहले तुम चलो, फिर मैं चलूंगा। डॉट रेडिया में शिशु वाले रेडियल मैसेज सुन लूंगा। अरे वो चोर कहाँ गायब हो गया? हमारा तुमने भी तो उसे देखा था ना? अरे ये तो यहाँ है। तुमने चोर को पकड़ लिया। इसीलिए कहता हूँ मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अरे क्या तुम इसे ले जाओगे? हाँ, चोर को तो हमेशा पुलिस ही ले जाती है। हाँ, तो फिर मुझे भी हथकड़ी पहना कर इसके साथ लेके चलो ना। सुना है कि जेल में बड़ा ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। नाम हो ना हो, हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाना चाहिए। तो खाने पीने की कितनी दुकानें हैं। अब क्या है शिशिमान? रुकना है। क्यों रुकना है? वहाँ जाना है। वाह वाह, बढ़िया का खाना मुझे मेरी तो निकल पड़ी। चलो मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? अरे वाह, अगर आप 3 मिनट में खाना खत्म करते हैं तो सारा खाना मुफ्त है। आपका स्वागत है। यहाँ डॉगीज को नहीं खिलाया जाता। उतरते हो यार। दू एक, आप दोनों को अलग अलग दू क्या? हाँ हाँ, हम दोनों अलग अलग खाएंगे। मुझे भी दो, मुझे भी दो। नहीं बोला ना? आपने तो कुछ इज्जत नहीं है। लीजिए ये रहा आपका खाना। ये क्या इतना सारा? शुरू कीजिए। अब आएगा मजा। दबा कर खाएंगे। मुझे भी खाना है। अब मैं और नहीं खा सकता। आओ मैं खाता हूँ, मुझे खाने दो। तुम नहीं खा सकते, दूर रहो इनसे। बहुत ज्यादा है। मुफ्त में खाना पाने के 3 मिनट खत्म हो गए। अब क्या करें? हम पूरा खाना खत्म नहीं कर पाए। कहा था ना मुझे खाने दो। डॉगीज को यहाँ खाने की इजाजत नहीं है। पर अब ये सारा खाना जाया गया। आइडिया, आप है ना, ये खाना पैक कर लीजिए। मैं खाना तो पैक कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें ये बेचना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ, चलो चलो जल्दी हथौड़ी को ये खाना दे देते हैं। वो खाना लेकर जा रहे हैं। तो क्यों ना उस पर हाथ साफ किया जाए दोस्त? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो फिर चलो। कमांडो बिल्कुल तैयार है? कमांडो तैयार। ओए हथौड़ी। भले हथौड़ी। केनिची, शिंजो, तुम लोग आराम से आओ, मैं ये बेचकर घर पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, जाओ, हम लोग अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। डिंग 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 डिंग। कैसे हो केनिची? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे तो वो खाना खाना था। मुझे भी। केनिची? हाँ, इसे उस बारे में बताते हैं। हाँ, हमारा
आज हम एक जगह गए थे जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। सच में ऐसी कौन सी जगह है? मैं भी बताऊंगा, मैं भी जाऊंगा। 3 मिनट में सारा खाना खत्म। समझ गया। अगर तुमने 3 मिनट में ये खत्म नहीं किया तो तुम्हें सारे खाने के पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। केनी जी, ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? अगर पूरा खाना नहीं खाया तो पैसे चुकाने पड़ेंगे। मैं खाऊंगा ना। यहाँ बिल्लू नहीं खा सकते। क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देता रहूँगा, समझे? बैठ जाओ नीचे। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तुम तो जीतने के मूड में हो। ये तो बाद में पता चलेगा। नूडल्स कीओ को खिला देता हूँ और सूप में खुद ही पी लूंगा। खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए। देखना, अब इसकी हालत खराब होने वाली है। अरे तुम तो खत्म करने वाले हो। मैंने सारा खा लिया, मैंने सारा खाना खत्म कर दिया। निंग 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 निंग। तो इसके पैसे नहीं दोगे? क्यों दूं पैसे? 3 मिनट में मैंने सब कुछ खा लिया है, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। बाय बाय। निकल जाओ यहाँ से। ये किसे ले आए थे? मेरा इतना नुकसान कर दिया। निंग निंग, अमारा ने तो बेईमानी की है। समझ में नहीं आ रहा कि अमारा ने इतना सारा खाना कैसे खाया। निंग निंग निंग। परेशान मत हो केनिची, उसने वो सारा खाना अकेले नहीं खाया है। क्या? ये तुम्हें कैसे मालूम? निंग निंग। तुम तो वहाँ थे ही नहीं हथौड़ी। अरे केनिची, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं एक निंजा हूँ। मुझे तो अपने पैसे मिलने से मतलब है, बाकी सब तुम लोग जानो। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हमारी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने ये सोचा है। ठीक है, चलो। हमें आज कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म मिलेगा क्या? जी हाँ, हम इसीलिए तो यहाँ पर खड़े हैं। ले लीजिए, आज कुछ अलग बना है। जी हाँ, आज हमारे यहाँ यही खास बना है। चलो क्यों, बैठ जाओ। मैं तो खाऊंगा। लेकिन आज ये बिल्लू तुम्हारे साथ नहीं खाएगा। इसे कैसे पता चल गया? अब क्या करूं, कैसे खत्म करूं? तुम जितना खा सकते थे खा चुके, और अब 3 मिनट खत्म होने वाले हैं। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें माफी मिल सकती है, पर उसके लिए तुम्हें खाने के पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। हमारा ओए हथौड़ी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बेईमानी पकड़ने के लिए। क्यों, मजा आया ना हमारा? मुझे माफ कीजिए। ओ चुचा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जाओ फिर मेरा खाना बेच कर आओ। ओए हमें तो हमाल बना दिया उस केनिची ने, अब क्या करें? ओए कोई घर में है? क्या लाए हो हमारा? खाना लाए हो? क्या आप लोग ये लजीज खाना खरीदना चाहेंगे? हाँ, हम ये खरीद तो लेंगे, पर पहले चखना चाहेंगे। मैं क्या बताऊंगा। आइए खाइए।